Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. रोते रोते कलीम ने आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। लो भाई, अब ये क्या नया तमाशा है? तुम कोई पीर फकीर हो क्या जो कुछ पढ़कर इस कागज पर फूंकोगे और सवाल तुम्हारे सामने आ जाएगा? तुम तो इस अस्वत से भी बड़े गधे हो, जमाल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। कलीम की ये हालत देख कर सुनहरी उसके पास गई। उसे अपने पास आता देख कर कलीम ने अपना चश्मा उतारा, अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए हाथों से अपना चश्मा साफ करने की कोशिश की। सुनहरी ने शफकत के साथ उसका चश्मा लिया, उसे साफ किया और कलीम को वापस दे दिया। सुनहरी की नर्म दिली देखकर कलीम मुस्कुराया। फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने पहले अपने चश्मे की तरफ इशारा किया और फिर उस कोरे कागज की तरफ। आखिर में उसने अपनी हथेली खोलकर पर्चे के ऊपर फैला दी, जिससे उसकी हथेली का साया पर्चे पर बन गया। मुझे लगता है ये इशारों से हमें कुछ समझा रहा है। कलीम, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? साया, परछाई, आईना? सुनहरी ने अंदाजा लगाते हुए कलीम से पूछा। मुझे लगता है ये इम्तिहान नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है और इससे बाहर निकलने की चाबी हम खुद हैं, अहमर ने कलीम के इशारों को जोड़ते हुए कहा। हमारा अक्स, हमारी शख्सियत, हमारी काबिलियत और हमारी कमियां, हम खुद इस सवाल का जवाब हैं। मुझे लगता है इस कंपनी के मालिकान इन कैमरों के पीछे बैठकर हमें देख रहे हैं, हमारी बेबसी से महजूज हो रहे हैं। उन सब के बीच यकीनन शर्त लगी होगी। वो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम में से कौन इस इम्तिहान में आखिर तक टिकेगा। जो जीत गया वही सिकंदर, अहमर ने मजीद खुलासा करते हुए कहा। अहमर, तुम्हारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस कंपनी में मल्टीपल बोर्ड मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, सिर्फ एक सीईओ हैं और पूरी कंपनी की बागडोर उनके हाथों में है। उनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। He has all rights and complete power. He is a very serious man. वो कभी भी हमें आजमाने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे नहीं अपनाएंगे। लाली की ये बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। तुम इस कंपनी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? जमाल ने हैरत से पूछा। मैं इस कंपनी के HR डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। हम सब CEO के बारे में जानते जरूर हैं लेकिन आज तक उनसे कोई मिला नहीं है। मैं तो उनका नाम तक नहीं जानती। एक दिन ऑफिस में इस जॉब के लिए ओपनिंग अनाउंस हुई तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। लाली का जवाब सुनकर नीलम ने कहा, हमें तो इस जॉब और कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस जिस दिन से शुरू हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन खुफिया रखी गई है और हमें कोई सवाल ना पूछने की हिदायत दी गई है। बस इतना बताया गया था कि इस जॉब में इतना पैसा है कि हमारी आने वाली अगली 7 पुश्तों को कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीलम की बात से इत्तेफाक करते हुए लाली ने वजाहत की और सबको बताया कि इस कंपनी का नाम कोड ब्लू है और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लाइलाज बीमारियों और वबाओं के इलाज दरियाफ्त करती है। इस कंपनी का टर्नओवर 20 बिलियन डॉलर्स है और इस वक्त उन्हें एक खास वैक्सीन पर काम करने के लिए एक सीनियर रिसर्च एनालिस्ट की जरूरत है। लाली की ये बातें सुनने के बाद कुछ देर सब लोग बिल्कुल सुन हो गए। खैर, वापस इस कोरे कागज की तरफ चलें। ये कहकर लाली गार्ड के पास गई और बहुत एहतियात के साथ उसने गार्ड की शर्ट पॉकेट से एक लाइटर निकाला जिसके कैप पर उसकी नजर पड़ गई थी। हो सकता है इस पेपर पर लिखा हुआ सवाल पानी लगने से जाहिर हो जाए। ये कहकर लाली डेस्क पर खड़ी हो गई। उसने लाइटर जलाकर
छत के बीचों बीच लगे स्मोक डिटेक्टर को एक्टिवेट करने की कोशिश की, मगर लाइटर से निकलने वाली फ्लेम बहुत बारीक थी। ये देखकर जमाल ने कागज के एक टुकड़े को रोल किया और लाली को पकड़ा दिया। लाली ने उस कागज के टुकड़े को जलाया और उससे निकलने वाले धुएं ने काम कर दिया। फायर अलार्म बजते ही वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन हो गए। इस मस्नूई बारिश से पेपर गीला हो गया, लेकिन सवाल वाजे नहीं हुआ। लाली ने जब उस जले हुए कागज के टुकड़े को गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।